हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। जो स्टेट जुडिशरी है ना, राज्यों के लेवल पर जो जुडिशरी है उसके अंदर शुरुआत होती है हाई कोर्ट से एंड देयर आर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिनको हम लोग कहते हैं लोअर कोर्ट्स। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोई जो थोड़ा सा नीचे लेवल पर काम करे आपसे, है ना, वही सबऑर्डिनेट होता है ना आपका। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के नीचे इनकी सबऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये नहीं है किसी भी प्रकार से छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ज्यूरिसडिक्शन। जितना इनकी ज्यूरिसडिक्शन है ये अपने हिसाब से तो बड़े अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर, लेकिन अगर हम लोग एक इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम को अगर हम लोग देखें कि बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट तक, तो जो पावर्स एंड फंक्शंस इनके पास नहीं है वो हाई कोर्ट के पास है, जो हाई कोर्ट के पास नहीं हमने देखा था वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल। इतनी बात क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अच्छा, मुझे क्या बताओ सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में गिवन है? हाई कोर्ट, और ये भी देख लो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं दे आर ऑल्सो मैंशनड इन पार्ट 6 फ्रॉम आर्टिकल 233 टू 237। ठीक है, दे मेक द फॉलोइंग प्रोविजंस, ये जो पार्ट है और जो आर्टिकल्स हैं कि किस प्रकार से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शनिंग, ज्यूरिसडिक्शन रेगुलेट हो सकता है एंड हाउ देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इंश्योर। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि जो राज्य की सरकारें हैं वो इनके प्रोसेस में इंटरफेयर करें। अब जो 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 का, इसने एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा था, आर्टिकल 233A, विच रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस एज वेल एज जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय देम। ये रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इसको कहा जाता है, वैसे इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है फ्रॉम द बैड डेट। अगर मुझे कोई चीज 2022 की लागू करनी है और अभी करनी है साल 2023 के अंदर, वो वक्त तो अलग था, मैं पुरानी चीज कैसे ला सकता हूं? रेट्रोस्पेक्टिवली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेस है, मयूर श्रेया हरनीत, विंडो है कि हम पुरानी चीजों को आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करवा सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं कि पुरानी चीज जो थी डेट आज की है, बैठे हम लोग 2017 में है, सॉरी 2023 में है, 2017 की बातें भी हम लोग लागू करवा सकते हैं कि ये उस दिन से लागू हो जाएगा। यूपीएससी के फॉर्म से ऐसे देखे आपने, वो क्या कहते हैं कि जो भी, फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूँ, 1999 के बाद जो पैदा हुआ है वो भर सकते हैं, वो नहीं भर सकते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो ये जो विंडो रख रहे हैं या जो एक बैरियर रख रहे हैं या जो एक लक्ष्मण रेखा रख रहे हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन नहीं तो है उनका? बड़ी सारी चीजों में ऐसा होता है। ठीक है, हम यानी कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बैक डेट से किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने का प्रावधान है, प्रोविजन है, बिल्कुल है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की। जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के स्टेट के अंदर, उनको कौन करता है? इट इज डन बाय गवर्नर। खुद से ही क्या डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? नहीं, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, क्योंकि कल को यही वो पर्सन हैं जो कि कहां है प्रमोशन और पोस्टिंग वगैरह के बाद हाई कोर्ट। एक जो पर्सन है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर वन, कभी भी वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में ना रहा हो, ऑलरेडी ना हो, सॉरी, ठीक है, ही और शी शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अभी ना। उसके बाद
वो एक एडवोकेट रहा हो या प्लीडर रहा हो फॉर 7 ईयर्स, ऑलमोस्ट सेम चीज़ एक पावर्स एंड फंक्शंस होती है. आप एडवोकेट को अच्छे से जानते हो तो आप वो चीज़ समझ सकते हो. 7 साल तक लगभग. उसके बाद ही और शी शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट. ये कंडीशन यहीं पर लागू हो गई कि नहीं हो गई? और अपॉइंटमेंट करेगा कौन? गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होती है पर्संस की अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट, इसको भी गवर्नर ही करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट. मान लो कि कोई भी पर्सन है, हमें उसकी जज की नियुक्ति नहीं करनी है, जज के अलावा बाकी जो पोस्ट होती है कोर्ट के अंदर उसकी नियुक्ति करनी है, उसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर. अब मान लो ये चीज हमें करनी है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, जो कि एक बेंच है, ठीक है? यानी कि वहां के जो राज्यपाल हैं वो किसको कंसल्ट करेंगे? एक तो ग्वालियर हाई कोर्ट को, उसके बाद MPPSC को, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को. ये चीज श्रेया आप बता दो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होनी है. राज्यपाल किसको कंसल्ट करेंगे? नंबर वन चंडीगढ़ हाई कोर्ट को, नंबर टू PPSC को, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? बस कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग पोस्टिंग, प्रमोशन, पर्सन्स की छुट्टियां, बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट, या फिर वो कोई भी पोस्ट वो होल्ड करता है कोई भी पर्सन, एनी पोस्ट विच इज इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसके दायरे के अंदर आती है? पावर आती है हाई कोर्ट. मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? इसका आंसर क्या निकला? किसी भी मुद्दे से लेकर हाई कोर्ट. और ये याद रखना, ये जो दे रखा था ना पोस्टिंग प्रमोशन लीव ऑफ एनी पर्सन, यहां पर ये चीज है, दैट पर्सन शुड होल्ड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, वो हाई कोर्ट के अंदर दे रखी है पावर. अब हाई कोर्ट के जजेस के लिए काम करेगा क्या पोस्टिंग प्रमोशन लीव वगैरह? बताओ, नहीं ना. इंटरप्रिटेशन, जो ये टर्म है डिस्ट्रिक्ट जज, इट इंक्लूड जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट जिसके अंदर सिविल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज. अलग अलग राज्यों की व्यवस्था के अनुसार अलग अलग टर्म इनके होते हैं सिटी सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है? आपको जनरली डिस्ट्रिक्ट जज आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये अदर नेम्स भी और अदर तरीके के मजिस्ट्रेलियन नेम्स भी यूज होते हैं, ठीक है? ये जो टर्म है जुडिशियल सर्विस, इट मींस अ सर्विस विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्संस इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड दूसरे सिविल जुडिशियल पोस्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से नीचे हो. ये जुडिशियल सर्विस का मतलब होता है एंड ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब पढ़ा. ये सारी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए. इनमें से आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग आर अ काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जज ही हैं, ठीक है? एंड जुडिशियल सर्विस के अंदर क्या बताया मैंने आपको, कोई भी ऐसे पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर बैठने के लिए काबिल हो, ठीक है, या फिर दूसरी सिविल जुडिशियल पोस्ट
जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से नीचे आती हो, ये सारी जुडिशियल सर्विस नेचर की पोस्ट होती है। डन। ऊपर वाली जो प्रोविजंस थी इनकी एप्लीकेशन क्या होती है टू सर्टेन मजिस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले कलेक्टर को भी वाइड पावर्स थी। कलेक्टर क्या होता है, वो भी कुछ कुछ केसेस के अंदर सुनवाई कर सकता है। आईएएस ऑफिसर जब कलेक्टर बन जाते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पहले उनकी वाइड रेंज एक पावर थी, फिर उसको कम कर दिया गया है ना, क्योंकि ये जुडिशियल नेचर को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझते। अब देखो क्या होता है, जो राज्यपाल है एक राज्य का, गवर्नर जो है, ही और शी में डायरेक्ट डैट द अबव मेंशन प्रोविजन, कौन सी प्रोविजन, ये कि जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन कौन है, रिलेटेड टू द पर्सन इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस, ये गवर्नर बोल सकता है कि सर्टेन मजिस्ट्रेट्स या क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट्स जो पर्सन जो बिलोंग करते हैं मजिस्ट्रेलियर पोस्ट को, उसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ उस जुडिशियल नेचर की सर्विस को। मतलब कुल मिलाकर स्टेट जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को क्या पावर होंगी, कौन कौन से मजिस्ट्रेट इस स्टेट जुडिशियल सर्विस के दायरे के अंदर फंसेंगे, इसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम होता है गवर्नर का, राज्यपाल का। क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसलिए लगा होगा, पता है क्यों, बचपन से लेकर आज तक आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो पढ़ाया जाता है, आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में इतना ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ, बस आप ये जानते हो कि हमारे ज़िले के अंदर, हमारे एरिया के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, बस आप इतना ही जानते हो, और डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है वहाँ पर। अब इसका भी नेचर अलग अलग होता है, पता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, एक तो होता है सिविल नेचर का कोर्ट, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, और एक ये भी तो चीज़ हो सकती है ना, हर एक क्राइम की सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके थोड़ी ना होगी, एक क्रिमिनल कोर्ट भी होता है। चोरी चकारी किसी ने कर दी, चेन लूट ली किसी की, उसको पकड़ के जो पेश करा जा रहा है उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी लेकर जाएंगे। तो सिविल केसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं, और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। इनके लिए जो होते कहते हैं इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, लोअर कोर्ट ही है, लेकिन कुछ जो डील करते हैं सिविल केसेस के साथ रेगुलर नेचर के, उनको हम लोग कहते हैं सिविल कोर्ट, एंड बाकी जो क्रिमिनल केसेस डील करते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। ये हम आगे पढ़ेंगे इस डिस्कशन में दोस्तों, फिलहाल लेते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने जाना सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में।